हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जीवन बिष्ट है और आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। आज हम चंद राजाओं की राजधानी काली कुमाऊं चंपावत पे हैं। ऐसे ही हम एक हुनर और टैलेंट के इंडियन आइडल टल्लू का खिताब जीता है और उनका नाम है पवनदीप राजन, जिन्होंने अपनी सुरीले आवाज़ से, मधुर आवाज़ से पूरे देश का दिल जीता है। क्षेत्र से निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। एक चौकी गांव पड़ता है, उस गांव पे हम प्रवेश करेंगे तो उनके गांव में जाएंगे। ये आप दिखा सकते हो, ये पवनदीप राजन का घर हम सामने से दिखा रहे हैं। इसी गांव से उनने आइडल का मंच तक सफ़र तय किया हुआ है। देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उन्हें थोड़ा सा ये गांव दूर से दिखाया जा सकता है। ये देख लीजिए, सामने वाला गाँव है वो, आप बता सकता हूँ मैं इस क्षेत्र पर है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पवन जी के स्टूडियो में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो ये उनका स्टूडियो है, यहीं से वो कार्य करते थे। इससे पहले हमने पवन जी के पापा से भी हमने वार्तालाप कराई थी। आप देख सकते हैं पवन सिंह का स्टूडियो। तो सीधा हम बाहर का व्यू दिखाना चाहेंगे कि ये पवनदीप जी का घर है, तो देख सकते हो। तो दोस्तों, ये पवन इस छोटे से गांव में और उस बड़े मंच तक उन्हें हासिल किया है। इस छोटे से गाँव में आप देख सकते हो शानदार, ये चंपावत काली कुमाऊं क्षेत्र है, चंद राजाओं की राजधानी भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। आप देख सकते हो, इंडियन आइडल के विजेता रह चुके, पवनदीप के घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद विष्ट जी, धन्यवाद। आप लोगों के प्यार से ही ये संभव हो पाया है। आप लोगों को कोट कोट परिणाम सर। तो सर, सबसे पहले जो ये पवनदीप इंडियन आइडल पे सीजन 12 का विजेता बने हैं, तो इसके इस खुशी को कैसे आप जताना चाहोगे या कैसे करना चाहोगे? सर जी, ऐसा है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है, जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं के उत्तराखंड में देव भूमि में हम वास करते हैं। मुझे अपने देवी देवताओं पर बहुत विश्वास था और अपने बच्चे की क्वालिटी पर भी था, और उसने आज हमारे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। पवनदीप ने पूरे भारतवर्ष में विजेता बन के, सर एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है सर? सर, इतना एक छोटे से गांव से और इतने बड़े मंच, इंडियन आइडल का जो मंच है, इसके सफर इतना बड़ा तय किया है पवन ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सोचता हूँ विष्ट जी कि कमल होता है ना सर, जो सुना है हमने बुजुर्गों से कि कीचड़ में ही खिलता है। हम छोटी सी जगह से जरूर हैं, लेकिन टैलेंट इतना भरा पड़ा था मेरे बेटे पे, वो दुनिया ने देखा तो आज उसका प्रतिफल मिला। और इतना गदगद हूँ कि मैं तो 33 करोड़ देवता मेरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे भारतवर्ष को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। TNN न्यूज़ को सलाम है मेरा। ये चैनल आपका, ये इतना बड़े, इतना सक्सेस हो, मेरा आशीर्वाद भी है और आप लोगों का आशीर्वाद तो रहा ही है हमारे ऊपर। बिष्ट जी तो हमारे जो ये रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं वो पापा हूँ सर कि बेटे के नाम से मुझे जान रहे हैं और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है सर। इस क्षण मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपको शब्दों के द्वारा। बयान नहीं कर पाते शब्दों के द्वारा। दूसरी बात सर, आप एक लोक गायक भी हैं और इस क्षेत्र पर आपने हमको एक लोक गायक से ही आपको जानते हैं सर। कुछ ऐसी जो पंक्ति जो दिल को छू जाने वाली, अपनी पंक्ति गुनगुना दीजिए सर। बेटे के लिए लिखा था मैंने, इंडियन आइडल में गाया था, जो मैंने लिख के भेजा था उसके लिए, तो उसकी दो लाइनें हैं। कल कल झरना सुर सुर हवा, ठंडो मीठो पानी हो, धन्य धन्य छायो मेरी देव भूमि, उत्तराखंड पूनी हो, उत्तराखंड। बहुत, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं बैठा हूँ और जो खुशी का इजहार हम एक मीठे से लड्डू से पवनदीप की माता श्री से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, थोड़ा सा आइसिंग से आप भी कर लीजिए। थैंक यू सर। तो ऐसे ही आपका प्यार बरसा रहे आपके फोन पे। थैंक यू। ये वाला मुँह मीठा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने आए। उनकी माता श्री से भी हम वार्तालाप करेंगे। तो नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजे भी आ रहे हैं। पहले दिन एक बार पहले वॉइस इंडिया में जीता था तो तब ऐसी खुशी हुई थी, उससे दुगनी तिगनी खुशी हो रही है अभी। ये तो उससे भी बड़ा शो है, बहुत अच्छा। हमारे पवन ने हमारा बहुत नाम कर दिया, बस हम कुछ नहीं चाहते अभी, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा है।
और पवन दीप के बारे में कुछ, क्या उसे खाने में क्या पसंद है? खाने में सब पसंद है उसको, मीठा ज्यादा पसंद है, दाल चावल सिंपल खाना खाता है, वेज खाना खाता है। तो ये थे अभी पवन दीप के जो पड़ोसी हैं या बच्चे हैं, तो उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? दिया बोहरा। दिया बोहरा, आप क्या कहना चाह रही हो? हमें उन पे बहुत प्राउड फील होता है, ऐसे अगर यहाँ के लोग आगे बढ़े तो फिर हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे रहेगा हर चीज में, और इनके जैसे सारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इनके वैसे बहुत लोग पे। जैसा कि पवनदीप राजन के जो पड़ोसी हैं उनसे भी हम वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल का जो खिताब अपने नाम कर लिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के छोटे से जिले से हमारे पवनदीप राजन ने इतने बड़े मंच में बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने यहाँ के उत्तराखंड का नाम बड़ा नाम रोशन किया हुआ है, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ आते रहते हैं हमारे पवनदीप राजन, उनके पिताजी से भी मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर? तो और वो युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं ना, आगे मंच में आगे युवाओं ने भी योगदान करना चाहिए, ऐसे बड़े मंचों में जाना चाहिए यहाँ की पीढ़ियों ने, यही शुभकामनाएं हैं हमारे को। थैंक यू सर बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।